वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 देखा था और उसकी एक्सरसाइज देखी थी. आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 10 लाइन रिक्स देखेंगे. स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग होता है ऐसी नॉनसेंस पोएम्स. ओके, आप लोगों ने देखा होगा जब आप क्लास 3 में थे तो एक लास्ट वाली जो पोएम थी नॉनसेंस, ठीक है, वैसी ही पोएम ये भी है जिसका कोई मीनिंग नहीं है. सेंस लेस जो पोएम है वो है ये, ठीक है. अब ये जिसने लिखा है इट वॉर्ड लियर, ये वो पोएट हैं जिन्होंने ये पोएम लिखा है और वो मैक्सिमम इसी टाइप की पोएम्स लिखते हैं और इसी पोएम्स के कारण ही वो फेमस हुए हैं. ऐसी नॉनसेंस पोएम ही वही लिखते हैं, ठीक है. तो इस पोएम में जो न्यू वर्ड्स आने वाले हैं सबसे पहले हम उनको देखते हैं. देखिए, फर्स्ट है लार्क. लार्क मीनिंग होता है, व्हाट इज़ लार्क? लार्क का मीनिंग होता है एक पक्षी. एक पक्षी है लार्क, ओके. सेकेंड है रेन. रेन इसका मीनिंग होता है छोटी वाली जो चिड़िया रहती है उसे हम बोलते हैं रेन. ग्रीव, ग्रीव, ग्रीव का मतलब होता है शोक मनाना, ओके. तो ये जो थ्री वर्ड्स थे वो हम लोगों ने देखे, कौन कौन से? लार्क जिसका मतलब होता है एक पक्षी, रेन जो छोटी वाली चिड़िया होती है वो, और ग्रीव, ग्रीव मतलब शोक मनाना. अब हम ये पोएम स्टार्ट करते हैं. सो स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक पेज नंबर 63. देयर वॉज एन ओल्ड मैन विथ अ बियर्ड. एक ओल्ड मैन है जिसकी एक बड़ी वाली बियर्ड है. आप देख सकते हैं बियर्ड मतलब दाढ़ी. यस, दिखाई दे रहा है आपको? यस. सेकेंड, हु सेड इट्स जस्ट एन आई फियर्ड. ये सब वो कहता है, ये सब वो है जिससे मैं डरता हूँ. टू ओवल एंड अ हैन, फोर लार्क्स एंड अ रेन हैव ऑल बिल्ट देयर नेस्ट इन माई बियर्ड. वो बोलता है कि जो मेरी दाढ़ी है, बियर्ड है, उसमें मुझे इसी चीज़ का डर था कि इसमें कौन रहते हैं? दो आउल रहते हैं, उल्लू रहते हैं, एक हैन रहती है, और फोर लार्क्स जो मैंने आपको बताया था जो चिड़िया रहती है एक प्रकार की चिड़िया वो लार्क कहलाती है. तो उसमें फोर लार्क रहती है, आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, और अ रेन मतलब एक छोटा पक्षी, एक छोटी चिड़िया, वो भी इसी बियर्ड में रहती है और इन सभी ने इसके ही बियर्ड में घोंसला बना रखा है, ठीक है. सेकेंड पैराग्राफ में दे रखा है, सेकेंड पैरा, देयर वॉज एन ओल्ड लेडी ऑफ फ्रांस. यहाँ पर एक ओल्ड लेडी है, कहाँ की? फ्रांस की रहने वाली है. हु टॉट लिटिल डकलिंग टू डांस. और जो छोटे छोटे डकलिंग्स रहते हैं, डक के बेबीज, उनको क्या सिखाती है? वो डांस करना सिखाती है. व्हेन शी सेड टिक अटैक, तो वो टिक अटैक बोलती है. दे ओनली सेड, और वो उस वक्त क्या बोलते हैं? क्वैक क्वैक. आपको पता होगा ना डकलिंग कैसे आवाज़ करती है, क्वैक क्वैक की. तो जैसे वो टिक अटैक बोलती है वैसे ही डकलिंग क्या जवाब देता है? क्वैक क्वैक. विच ग्रीव्ड दैट ओल्ड लेडी ऑफ फ्रांस. और वो जब आवाज़ करते हैं तो जो फ्रांस की ओल्ड लेडी है वो बहुत ज़्यादा ऐसे सैड हो जाती है, बहुत शोक मनाने लग जाती है, ठीक है. तो ये सेकेंड पैराग्राफ का मीनिंग हो गया. थर्ड पैराग्राफ है, देयर वॉज एन ओल्ड मैन इन अ ट्री. एक ओल्ड मैन है कहाँ पर? ट्री पर. हुज विस्कर्स वर लवली टू सी. उसकी जो मूछें हैं वो बड़ी बड़ी और देखने लायक है. बट द बर्ड्स ऑफ द एयर, और जो बर्ड्स उसके आसपास हवा में उड़ रही है, प्लग्ड दैम परफेक्टली बेयर. और जो उसकी मूछों के बाल हैं वो उसको प्लग करके ले जाती है. टू मेक देम सेल्फ नेस्ट इन देयर ट्री. और किस चीज़ के? वो क्या करती है इस पर्सन की जो मूछें रहती है, उन मूछों के जो बाल रहते हैं उनको क्या करती है? वहाँ से प्लग करके बर्ड्स उड़कर ले जाती है और अपना खुद का एक नेस्ट बनाने लग जाती है इस ट्री पर. सो स्टूडेंट्स, ये एक नॉनसेंस पोएम थी जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास 3 में भी देखी थी. इसका कोई मीनिंग नहीं है पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 10 के रिगार्डिंग बुक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. ओके.